Check the mic and make sure it sound right, boys. तो भाई साहब आज की वीडियो का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अपना ड्रीम कैमरा लेने आया हूँ यहाँ से, मतलब चांदनी चौक से, इसलिए देखा है क्योंकि चांदनी चौक एशिया की टॉप कैमरा मार्केट में से एक है। ये बॉडी बॉडी है, मतलब ये बॉडी है, इसके लिए लेंस आपको अलग से लेना पड़ेंगे। मतलब कितना वेट होगा इसमें, ये देखो कितना भारी है भाई, ये देखो कितना बड़ा, मेरे फेस से ज्यादा बड़ा ये कैमरा है। मतलब ये सबसे महंगा लेंस बोल सकते हैं इसे हम, क्या इसका हुड भी उठ रहा है 3000 का, ये सिर्फ हुड उठ रहा है। अच्छा, 3000 का हुड उठ है खाली। हे गाइस, दोस्तों सूरज दिल्ली वाला, तो गाइस आज तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है दिल्ली की वादियों में। तो गाइस आज मैं यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे अपना ड्रीम कैमरा परचेज करने के लिए आया हूँ। और जाम की बात करें तो दिल्ली में इतना ज़्यादा जाम है ना भाई, वो मैं बता नहीं सकता, बस दिखा सकता हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे जो जाम लगता है ना भाई, खतरनाक ही जाम है। और ये एशिया की टॉप मार्केट है, टॉप कैमरा मार्केट है, जो मेरे जस्ट पीछे है, इसका नाम है पूंछा चौधरी मार्केट। तो आज वहाँ पे गाइस हम अपना ड्रीम कैमरा देखेंगे, ढूंढेंगे कैसे क्या मिलेगा, पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। एंड क्या होगा यहाँ पे, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होंगी वही मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखो यार, मतलब खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि तुम्हारे भाई ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। जिसने भी मेरा पहला वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे नॉइस का थोड़ा इश्यू आएगा, उसे इग्नोर करना भाई। सब पूंछा चौधरी मार्केट किधर है? पूंछा चौधरी मार्केट कैमरा मार्केट। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो भाई साहब। यहाँ पे देखो यार, मतलब आदमियों से ज्यादा तो यहाँ पे रिक्शे दिख रहे हैं मेरे को जस्ट। और ये है पूंछा चौधरी मार्केट, यहाँ पे फोटो मार्केट आपको लिखा दिख जाएगा। नया साइन बना है यहाँ पे पूंछा चौधरी मार्केट आने के लिए, ये देखो, इसके जस्ट अंदर गली में जाना है आपको। तो गाइस चलते हैं जल्दी से अंदर पूंछा चौधरी मार्केट में, देखते हैं चल के क्या सीन है आगे। और भीड़ की बात करी जाए तो वहाँ पे 24 आवर्स आपको मिलेगी, बट रात में थोड़ा सा कम हो जाता है क्राउड। और अभी चलते हैं ऊपर से जस्ट दिखाते हैं। और यहाँ पे दुकानें आपको बहुत सारी मिलेंगी, बट डिपेंड करता है कि आप उनसे नेगोशिएबल कैसे कराते हो। और इतनी सारी दुकानें होंगी कि आप आगे कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ तक। और छोटे से छोटा पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल मिलता है आपको। अभी तो चलते हैं, माहौल दिखाते हैं जल्दी। तो भाई चलते हैं, गुफाओं में रहते हैं ये, और एक बार माहौल देखते हैं। तो भाई चांदनी चौक की अगर असली वाइब की बात करी जाए ना, तो यही सब चीज़ों से आती है, जो कि यहाँ के जो भीड़ वगैरह और ये तार देख रहे हो ना, असली चांदनी चौक का मजा। मैं आ चुका हूँ अपनी लोकेशन पे, जो मतलब चांदनी चौक में तो काफी दुकानें हैं, ऐसे मैं देख देख के खो जाता हूँ। बट यहाँ पे आने से पहले देखो भाई साहब, यहाँ पे सजा के रखा है हमारे शिवम भैया ने। तो सिम भैया क्या हाल चाल है? बस सर बढ़िया। थोड़े से सैड सैड लग रहे हो, क्या बात है, कोई बात नहीं है क्या? हाँ तो भाई साहब आज की वीडियो का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अपना ड्रीम कैमरा लेने आया हूँ यहाँ से, मतलब चांदनी चौक से, इसलिए देखा है क्योंकि चांदनी चौक एशिया की टॉप कैमरा मार्केट में से एक है। क्यों सही बात है ना ये? बिल्कुल सही बात। भाई बताओ आपके यहाँ पे टॉप मिलते हैं ना कैमरा वैसे? बिल्कुल टॉप, फर्स्ट क्लास की आप बात है। तो सूरज भाई अगर आपको कैमरा चाहिए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो आप कैमरा बोलोगे वो मैं दिखा दूँ। क्या बात, ब्लॉगिंग में यूज है, ब्लॉगिंग के लिए टच वाला कैमरा है। ओए होए, मतलब टच वाला कैमरा है, फ्लिप स्क्रीन के साथ है। ले जाऊँ क्या ये? ले जाऊँ ये बताओ। नहीं, कैनन का 700D मॉडल है। हाँ जी, 700D है, कैनन का 700D मॉडल है। अगर नए की बात करी जाए तो कितने का पड़ रहा होगा? यहाँ तो सर जब आता था 37,000 रुपीज का आता था बंद जी। ओके, अब ये इस कंडीशन में आपको 22,000 रुपए का मिलेगा। 22,000 का मिल जाएगा क्या इस कंडीशन में? आप कंडीशन देख सकती है। ओके, एक बार मेरी फोटो क्लिक करके दिखा दो, अगर एचडी कार्ड बड़ा हो तो इसके अंदर। मैं आपको ऐसी दिखा दूँ, ये देख क्या बात है, मतलब कुछ खतरनाक पे गई है। अच्छा, पूरे टच है, ये आपको इस कंडीशन में 22,000 रुपए का मिल जाएगा। कंडीशन आप देख सकते हैं, 1 साल की वारंटी मिलेगी। हाँ जी, और एक कार्ड मिलेगा आपको। हाँ जी, चार्जर बैग वगैरह सब मिलेगा। ओके, यहाँ से अगर कैमरा लेने की ये फैसिलिटीज है। भैया मुझे ये बताओ, कैनन का सबसे मिड रेंज का कैमरा कौन सा? कैनन का मिड रेंज में कैमरा, आप इधर आ जाइए कैनन वाले कैमरों में। हाँ जी, स्टार्टिंग तो वैसे 1100D 1200D से होती है। हाँ जी, वो मिल जाता है। अभी मेरे पास फिलहाल 1100D भी नहीं है, 1200D भी नहीं है। अच्छा, मतलब अवेलेबल हो गया। 1100D मिल जाता है आपको 12-13 हजार रुपए की रेंज में। हाँ जी, 1200D मिल जाएगा आपको 14,000 रुपए की रेंज में। ओके, फिर एक आता है 1300D मॉडल वाईफाई वाला, वो 16.5 की रेंज में मिलेगा। तो भैया मुझे ये बताओ कि मुझे अपने लिए एक हाइपर लेवल की ब्लॉगिंग करनी है, एकदम बढ़िया क्वालिटी। देखो बढ़िया बढ़िया चाहिए तो 200D से भी ऊपर एक कैमरा आता है, कैनन का 800D मॉडल। 800D ये बहुत ही बढ़िया कैमरा होता है। अच्छा, ये किसी का ड्रीम कैमरा, मतलब ये ड्रीम कैमरा, इसे भी ड्रीम कैमरा बोल सकते हैं। अभी देखो मैं ही परचेज करूंगा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन सा लूंगा। 800D है ये, 800D मॉडल। क्या बात है, मतलब इसकी भी रिजल्ट काफी अच्छे हैं, मतलब क्लियरिटी की बात करी जाए तो बहुत ही औसम है। और ये लोगों का ड्रीम कैमरा भी बन रखा है। बिल्कुल। तो गाइस कमेंट करके बताओ ये किस किस का ड्रीम कैमरा है ये, ठीक है?
और यहाँ पे सारे कैमरे मतलब कैनन के और निकॉन के अवेलेबल होंगे। कैनन, निकॉन, सोनी। ओके। सोनी का भी मेरे पे ज्यादा नहीं, एक दो मॉडल पड़े, ज्यादातर निकल गया मेरा। ओके, इसके बाद कौन सा दिखाओगे आप? इसके बाद है जी कैनन M50। कैनन M50 व्लॉगिंग कैमरा। ओए होए, इसे तो दिखाएंगे बैक कैमरे से। व्लॉगिंग कैमरा है ये, 4K कैमरा है। 4K है प्रॉपरली। इससे भी काफी ब्लॉगर ब्लॉगिंग करते हैं अपने। एक बार दिखाओ इसे, एक बार पब्लिक को दिखाते हैं। आए हाय, मतलब फ्लिप स्क्रीन है प्रॉपर, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। क्या बात है, मतलब चांदनी चौक इन सब चीजों के लिए फेमस है। इसका पैसा निचोड़ दो, वैसे पब्लिक हैरान हो जाए। ये बिल्कुल निचोड़ करके आपको 34,000 का मार्केट में, 37-38 का बिकता है। मतलब एकदम कंडीशन देखो यार, एकदम फ्रेश है। जैसे कि यहाँ पे काफी ज्यादा कैमरा है, मैं आपको क्या दिखाऊं, वेब सीरीज बन जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे सबसे महंगा कैमरा कौन सा है भाई, सब ये बताओ मेरे को। सबसे महंगे कैमरा ये रखे, आए हाय, मतलब तीनों सजा के रख रखे हैं। क्या नाम है इनके? ये है फुल फ्रेम में होते हैं, FX बॉडी है। ये मॉडल शूट, फैशन शूट, हाँ जी, या मॉडलिंग फोटो शूट, जो भी मतलब बड़ा काम करना है। हाँ जी, फुल फ्रेम कैमरे होते हैं ये सारे। ये फुल फ्रेम ये भी है, अच्छा, उनसे भी ऊपर के कैमरे ही है। क्या बात है, देख सकते हैं निकॉन का D5। अच्छा, D5 है ये निकॉन का। ओके, बॉडी देखिए, वेट। ओए होए होए होए, तो पब्लिक को लग रहा होगा कि गाइस यही मेरा ड्रीम कैमरा है, बट देखो जब मैं 7th-8th में था तब से ही मेरा ड्रीम कैमरा स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे आने के बाद इंसान की भूख बढ़ती रहती है, तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद अपना कैमरा देखेंगे। निकॉन का D5। हाँ जी, जब ये आता था अप्रोक्सीमेट 4 लाख रुपए का ये बॉडी होती थी, मतलब 4 लाख रुपए की बॉडी। ओ भाई, हाँ जी, ये आपको हम दे देंगे ओनली 1,45,000। 1,45,000 में, क्या बात है। मतलब इसका जो यूज है, हाँ जी, जंगलों में जाके जो लॉन्ग, अच्छा अच्छा, जो भाई एक जगह सेट कर, मतलब फुल जंगली फोटोग्राफी करते हैं, क्या बात है। मतलब उनके लिए चीज होती है इसका, कोई छोटा भाई वगैरह शूट, फोटो शूट वगैरह इससे आप कर सकते हो, क्या बात है। मतलब छोटा भाई है कि बड़ा भाई है इसका, ये बगल में जो रखा है ये इसका बड़ा भाई है। अच्छा, ये बड़ा भाई में आगे, ये 1DX। ओके, 1DX। ओके, मैंने जिंदगी में पहली बार टच भी नहीं करा है, तो अभी कर ले रहा हूँ वीडियो के सामने। ठीक है, कैनन का है 1DX Mark II। ये बॉडी बॉडी है, मतलब ये बॉडी है, इसके लिए लेंस आपको अलग से लेना पड़ेंगे। मतलब कितना वेट होगा इसमें, ये देखो कितना भारी है, ये देखो कितना बड़ा, मेरे फेस से ज्यादा बड़ा ये कैमरा है। अगर प्राइस की बात करिए तो कितना प्राइस जाता है? 1,50,000 रुपीज की बॉडी, 1,50,000 रुपीज की बॉडी थी जब आई थी। हाँ जी, न्यू। ओके, ये 150 में आपको मिल जाएगी। एक अब बात करते हैं एक मेन टॉपिक के बारे में, लेंस के बारे में। देखो, अगर कोई भी कैमरा लेता है तो उसे अपना कैमरे को अपग्रेड करना पड़ता है, लेंस भी अपग्रेड करने पड़ते हैं। तो भैया लेंस कैसे कैसे होते हैं आपके पास? आपको देखो सर, लेंस दिखाता हूँ। ओके, मतलब ये सारी जो देख रहे हो वाली साइड, सोनी में सारे लेंसेज मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारे के सारे लेंस, ये तो अभी कुछ भी शौक नहीं है, हमारे पास स्टॉक बहुत भरा हुआ है, मतलब अभी इससे भी ज्यादा होता है, क्या बात है। तो मुझे दिखाओ सबसे महंगा लेंस अभी, सबसे महंगा, उसके बाद आएंगे थोड़ा छोटे, थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा। ये है कैनन का, ओए होए, मतलब पूरा गिलास ही बना रखा है, मतलब सबसे महंगा है ये, सबसे महंगा अभी तक इस दुकान में यही वाला लेंस है, मतलब सबसे महंगा लेंस। क्या प्राइस जाती होगी इसकी? ये कैनन का 70-200 IS3 लेंस है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यही लेंस चल रहा है, सबसे लेटेस्ट लेंस, सबसे लेटेस्ट। हाँ, ये आपको 95,000 रुपीज का मिलेगा, 95,000 रुपीज। अगर ये आप नया लेंगे तो 1,80,000 के आसपास। क्या बात है, मतलब इन्हें संभालने के लिए कोई बॉडी बिल्डर, आप इसका कंडीशन देखिए, इन्हीं के साथ जचते हैं, मतलब इनपे जच जाएंगे, इनपे जच जाएंगे, क्या बात है। मतलब ये सबसे महंगा लेंस बोल सकते हैं इसे हम, क्या उसका हुड ही उड़ सर, 3,000 रुपए का ये सिर्फ हुड उड़ है। अच्छा, 3,000 का हुड उड़ है खाली, क्या बात है, मतलब महंगी बातचीत दिखा दी आज वीडियो में। तो वैसे अगर कोई भी चीज चाहिए हो तो यहाँ पे मैं एड्रेस वगैरह मेंशन कर दूंगा, इस एड्रेस पे आप आ जाना भैया की, यहाँ पे 3-4 मतलब ब्रांचेस है चांदनी चौक के अंदर। तो भैया ये बताओ मुझे एक चीज की, यहाँ पे अगर कोई वीडियो के थ्रू आता है, अगर मेरी वीडियो देखता है, सूरज दिल्ली वाला की वीडियो देख के आता है, तो मतलब कितना बजट लेके चले अगर किसी को ऐसे कैमरा चाहिए? अगर अच्छा कैमरा चाहिए तो कम से कम 15-16 हज़ार रुपए तो लेकर आए, मतलब 15-16 लेके आए। देखो उससे नीचे का कैमरा लोगे, मान लो 8-10 हज़ार की जो रेंज के कैमरे हैं, उससे बढ़िया तो फिर आपका फोन ही काम आएगा। क्या हुआ था? वो मतलब तो नहीं लो मेरी वो राय है आपके। एक बार मैंने इनका नंबर एक और अपनी पहली वीडियो में डाल दिया था, तो बंदों ने परेशान कर दिया था। देखो परेशान मत करो, जो कुछ क्यूरीज है उस पे ही बात करो। भैया जल्दी से आप मेरा ड्रीम कैमरा दिखाओ दो। आप ड्रीम कैमरा आप ये ले जाइए, कैनन का 1DX Mark II। क्या बात है, मतलब कितने कितना पैसा है उन्हें? आप ले जाओ और भूल जाओ, वीडियो बनाओ, मतलब आग बनेगी ना वीडियो, आग। और पैसे बता दो कितने होंगे? पास नहीं होगा सर ये कैमरा। अच्छा, पैसा कितना जाएगा इसका? पैसा जाएगा आपके लिए 1,50,000। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो वैसे जो मैंने यहाँ पे कैमरा देखा है उसका नाम है G7X, जो कि बेस्ट ब्लॉगिंग कैमरा है मेरे लिए। और बचपन से मुझे G7X का शौक चढ़ गया था ब्लॉगिंग के नाम पे,
तो भैया से अभी मैंने बोल दिया है कल तक आ जाएगा, तो मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा इसके बाद वाला, नेक्स्ट डे आके मैं परचेज कर लूंगा, हो जाएगा ना भाई? जी 7X में आपके लिए कल अरेंज करवा दूंगा। क्या बात है, मतलब अगर आपकी कोई व्यूरीज है तो वो भी यहाँ पे हो जाती है, एक दो दिन में मैं अरेंज करवा दूंगा। क्या बात है, तो मतलब आके यहाँ से ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम्हारे भाई ने फाइनली ले लिया है G7X, और नेक्स्ट क्लिप में आप देख लेना कैसे मैंने उसे परचेज करा है। तो गाइस ये रहा वो कैमरा जो हम अभी परचेज करने वाले हैं, और ये बेस्ट ब्लॉगिंग कैमरा है, क्यों नितिन भाई? देखो ना एक पड़ा था, एक मेरा वाला है, एक ये रहा देखो, इसका भैया वैन हो गए हैं अब ये, पर मेरा भैया है और ये वैन है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, क्यों सही सौदा है भाई? ठीक है, तो गाइस तुम्हारे भाई ने फाइनली परचेज कर लिया है ये, अब इनको थोड़ा धनिया गिना देते हैं फिर चलते हैं अपना घर। क्यों भैया, तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो, ठीक है? तो जो भी इस ब्लॉग में आपको अच्छा लगा हो वो बताओ, और आपका ड्रीम कैमरा कौन सा है यार वो भी मुझे बताओ, मुझे जानना है आपका ड्रीम कैमरा कौन सा है। मेरा जो अभी था बचपन में मैंने वो आपको बता दिया, दिखा दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, लव यू, बाय।